सब्सक्राइब करने के साथ ही इस घंटे पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आप देख पाओ हमारी वीडियो सबसे पहले। सांप एक ऐसा जीव है जो सदियों से मनुष्य के लिए शोध का विषय रहा है। इसके आवास, भोजन, चलने का तरीका, विष आदि विषय के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है, लेकिन इसके समागम और संतति के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम आपको सांपों के समागम और संतति के बारे में बताएंगे। सांप जैसे जीवों में जोड़ा बनाना और समागम करना एक नर और मादा सांप मिलन की घटना मात्र नहीं है, बल्कि यह एक अधिक जटिल मामला है जो कुछ निश्चित विधि विधानों पर निर्भर होकर सांपों की जनसंख्या संबंधित व्यवहार को अभिव्यक्त करता है। प्रजनन ऋतु के दौरान नर सांप अक्सर अधिक सक्रिय रहते हैं और मादा सांप को ढूंढते फिरते हैं। मादा पर अपना हक जताने के लिए कई बार नर सांपों के बीच युद्ध भी होता है। कई बार इस लड़ाई में एक सांप की मौत भी हो जाती है। प्रजनन काल के दौरान नर सांप सतर्क, बदमिजाज और चिड़चिड़े होते हैं तथा इस विशेष अवसर के पूर्व अपनी कींचली उतारकर वे सजीव व चुस्त बन जाते हैं। दूसरी ओर मादा सांप शांत और सम्य व्यवहार का प्रदर्शन करती है जब तक कि कोई नर सांप उस तक नहीं पहुंचता। उपयुक्त नर के मिलने पर मादा सांप उसे समागम के लिए स्वीकृति प्रदान करती है। सांपों के मिलन की यह क्रिया देखना अपने आप में एक आश्चर्यचकित घटना होता है। मिलन के समय नर और मादा सांप को देखकर ऐसा लगता है मानो ये दो नहीं एक ही हो। जैसे जैसे मादा चलती है वैसे वैसे ही नर उसका अनुसरण करता है। इस क्रिया के दौरान नर और मादा सांप धरती से कई फीट ऊपर भी उठ जाते हैं। अधिकांश सांप वर्षा ऋतु के लगभग 2 महीने पहले समागम करते हैं। प्रत्येक प्रजाति के नर सांप केवल अपनी नस्ल की मादा सांप के साथ ही जोड़ा बनाते हैं। धामन और अजगर प्रजाति के सर्प साल में एक बार तथा फुरसा, भेड़िया और सीता की लट प्रजाति के सर्प साल में 2 बार प्रजनन करते हैं। नर और मादा सांपों में दुम के पास प्रजनन अंग होते हैं। नर सांपों के 2 अर्धद शीर्षन गुदा द्वारों में छिपे होते हैं। पूंछ के निचले हिस्से को दबाने और रगड़ने से गुदा द्वार के दोनों शीरों के अर्ध शीर्ष बाहर निकल आते हैं। जिन सांपों में पूंछ के निचले हिस्से को रगड़ने पर ऐसा नहीं होता है वे मादा सांप नहीं होते हैं। नर और मादा सांपों की दुम के मूल में मौजूद गुदा द्वार पर कस्तूरी ग्रंथियां होती है। हर जाति के सांप की कस्तूरी ग्रंथियों में अलग अलग गंध होती है। प्रजनन काल के दौरान मादा सांप अपनी कस्तूरी ग्रंथि से गंध छोड़ती है जिसे नर उसका पीछा करता है और उसे ढूंढ लेता है।